सब्सक्राइब कीजिए हमारे और आपके चैनल को इस सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके और साथ में ही बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिएगा लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगा सैमसंग के टॉप 5 अपकमिंग स्मार्टफोन के बारे में। अगर आप कोई सैमसंग का स्मार्टफोन लेने का सोच रहे थे तो मैं तो आप लोगों को बोलूंगा कि भाई थोड़ा दिन आप रुक जाओ, क्योंकि सैमसंग अभी बहुत ज़्यादा स्मार्टफोन लॉन्च करने वाला है। तो डेफिनेटली आपको तो सैमसंग के इन स्मार्टफोन के लिए वेट तो कर लेना चाहिए। सबसे पहले मैं आप लोगों को बोलना चाहूँगा कि मैं सैमसंग के एस सीरीज के बारे में नहीं बताने वाला, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि सैमसंग का S10, S10 प्लस और S10 प्लस नाम का स्मार्टफोन आने ही वाला है, तो इसके बारे में तो हम लोग सब जानते ही हैं। लेकिन आज मैं आप लोगों को टॉप 5 ऐसे स्मार्टफोन बताने वाला हूँ जो कि एक मिड रेंज और एक मिड फ्लेक्सिबल स्मार्टफोन सैमसंग की तरफ से आने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं तो सैमसंग इस बार एक नया सीरीज ला रहा है जो कि सैमसंग का एम सीरीज, जो कि सैमसंग के जे सीरीज, सैमसंग के ऑन सीरीज और सैमसंग के सी सीरीज को मिला के एक नया सीरीज बन रहा है जो कि सैमसंग गैलेक्सी एम। तो सैमसंग गैलेक्सी एम में पहला जो दो स्मार्टफोन आने वाला है, एक है सैमसंग का M20 और दूसरा है सैमसंग का M10। तो सैमसंग के M10 में आपको मिलने वाला है एक्जिनोस का 7870 का चिपसेट, जो चिपसेट सैमसंग 2016 के नवंबर मंथ से अब तक यूज़ कर रहा है। जी हाँ, सैमसंग के M10 में आपको मिलने वाला है एक्जिनोस का 7870 का, और सैमसंग गैलेक्सी M20 में आपको मिलने वाला है एक्जिनोस का 7885 का चिपसेट, जिसके बारे में मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बहुत ज़्यादा वीडियो में बता दिया हूँ। तो ये दोनों फ़ोन बहुत जल्द लॉन्च होने वाला है सैमसंग की तरफ से। ये सैमसंग की एक मिड रेंज स्मार्टफोन होने वाली है, तो ये स्मार्टफोन आपको बहुत जल्द लॉन्च हो जाएगा। अगर हम लोग बात करें सैमसंग के थर्ड नंबर के स्मार्टफोन की, तो ये है सैमसंग की तरफ से सैमसंग के ए सीरीज का स्मार्टफोन जो कि सैमसंग का A50। सैमसंग के A50 के बारे में कुछ दिन पहले गीक बेंच में देखा गया। इसमें आपको मिलने वाला है एक्जिनोस का 9610 चिपसेट, जो एक मिड फ्लेक्सिबल चिपसेट होने वाला है। काफ़ी अच्छा चिपसेट है ये। अगर हम लोग बात करें तो A50 जो आएगा इसमें आपको सुपर एमोलेड डिस्प्ले को मिलेगा, जबकि सैमसंग के M10 और सैमसंग के M20 में आपको LCD डिस्प्ले देखने को मिलने वाला है। तो एक अच्छी बात है, सैमसंग का एक A सीरीज में 3 स्मार्टफोन आएंगे और सैमसंग के जो M सीरीज है उसमें आपको 2 स्मार्टफोन देखने को मिलेगा। सैमसंग के जो चौथे नंबर की बात करें, तो चौथा नंबर में जो स्मार्टफोन आने वाला है, अगर हम बात करें चौथे नंबर की जो कि सैमसंग की तरफ से आने वाला है, तो A70 और A90। तो ये दोनों स्मार्टफोन कुछ दिन पहले ही वाईफाई सर्टिफिकेशन में पकड़े गए, गीक बेंच में लिखकर के सामने आया है। तो सैमसंग का जो A70 आएगा इसमें आपको मिलने वाला है क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 710 का चिपसेट, और जो सैमसंग का A90 आएगा, हालांकि अभी उसके बारे में कोई भी डिटेल पता नहीं है, लेकिन हाँ ये दो स्मार्टफोन एक साथ लॉन्च हो सकते हैं। तो ये कुछ टॉप 5 स्मार्टफोन है सैमसंग की तरफ से, कुछ मिड स्मार्टफोन है, मिड रेंज के स्मार्टफोन है, कुछ फ्लेक्सिबल के स्मार्टफोन है, मतलब मिड फ्लेक्सिबल के स्मार्टफोन है। तो अगर आप कोई लेने का सोच रहे थे, तो जहां तक मेरा मानना है यहां पर आपको 12,000 रुपये से लेकर 40,000 के प्राइस रेंज तक स्मार्टफोन आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि सैमसंग का जो M10 और सैमसंग का जो M20 आएगा इसकी प्राइसिंग 12-13,000 रुपये रहने वाली है, और जो सैमसंग का जो A50 आएगा उसकी प्राइसिंग लगभग 22-23,000 के आसपास होने वाली है, 20-22,000 के आसपास, और जो सैमसंग का A70 और सैमसंग का A90 आएगा उसकी प्राइसिंग होने वाली है लगभग 30 और 35 के आसपास। तो आप लगा सकते हैं कि सैमसंग के ये पांचों स्मार्टफोन आएंगे तो कुछ करके दिखाएगा, क्योंकि सैमसंग का अभी हाल बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। तो देखने वाली ये बात होती है कि लोग वेट करते हैं इनके लिए या फिर नहीं करते हैं। और आप लोग क्या सोचते हैं इन पांचों स्मार्टफोन के बारे में, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, मैं आप लोगों के लिए डेली इसी तरह से टेक वीडियोस लाता रहता हूं। और आप लोग मुझे बताएगा कि आप अगर वेट करेंगे तो किस स्मार्टफोन के लिए आप लोग वेट करेंगे, सैमसंग का M10, सैमसंग का M20, सैमसंग का A50, A70 या फिर A90, आप किसके लिए वेट कीजिएगा आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, और प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर ना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।